जी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 4 है, मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन, प्रॉब्लम नंबर 69 है। अब क्वेश्चन के मुताबिक एक कैमरामैन है जो पिकअप ट्रक के अंदर है और वो वेस्टवर्ड में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे। जैसे ये देख रहे हैं, एक पिकअप ट्रक दिखाया गया है, वेस्ट की जानिब जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे। अब वो देखते हैं कि एक चीता है जो कि वेस्ट की जानिब ही जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, यानी ट्रक से तो ज्यादा तेज है। अब चीता अचानक रुकता है और फिर वापिस आता है ईस्ट की जानिब, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि जो एक क्रू मेंबर था वो नर्वस होता है, वो चीता के बिल्कुल पैरेलल में है। अब वो देखता है कि जो इसकी वेलोसिटी में बदलाव आया उसको सिर्फ 2 सेकंड लगे, यानी जाते जाते एकदम जो वो रिवर्स हुआ है सिर्फ 2 सेकंड में। अब हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ एनिमल के एक्सेलरेशन का, जब वो कैमरामैन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ नर्वस क्रू मेंबर के मुताबिक क्या होगा, ठीक है। तो अब ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है, तो जो गिवन डाटा उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ट्रक की जो स्पीड बताई गई है वो हम देख लेते हैं कि वो शुरू में वेस्ट की जानिब है, तो मैंने लिख दिया। अब वेस्ट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो मनफी हाथ में ले आ गया, -20 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में लेके जाएंगे, -5.6 मीटर पर सेकेंड आई साथ में आ गया। इसी तरीके से चीता भी आपका शुरू में वेस्ट की जानिब जा रहा है तो उसके साथ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की जानिब जा रहा है, तो -30 किलोमीटर पर आर, तो इसे भी शिफ्ट करेंगे तो 8.3 मीटर पर सेकंड आई यूनिट वेक्टर के साथ में आ जाएगा, नेगेटिव के साथ। फिर जब चीता ब्रेक लगा के वापस चलता है तो वो ईस्ट की जानिब जाता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब जाता है, तो 45 पॉजिटिव में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में शिफ्ट करेंगे तो 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये गिवन डाटा शुरू वाला था, टाइम हमें पता है कितनी देर लगती है, 2 सेकंड में उसने चेंज किया। अब जो चीता की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द ट्रक शुरू में, जैसे बिल्कुल जहां से प्रॉब्लम शुरू होता है, तो वो अगर हम कहें कि वो कितनी है जी, -8.3 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी ऑफ चीता बतानी है ट्रक के रिलेटिव ट्रक एट द एंड ऑफ 2 मीटर, तो हम कहेंगे फाइनल उसकी ये है, इनिशियल उसकी ये थी ट्रक के लिहाज से, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड आई माइनस -5.6 मीटर पर सेकेंड आई, ये टोटल आ जाएगी 18.1। अब जनाब क्या हो गया कि हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये एंड है ये बिगिनिंग है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड उठाएंगे तो 13 आ जाएगा। डायरेक्शन हम देखेंगे जो कि जवाब पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आई है तो हम कहेंगे पॉजिटिव आई यानी ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। अब सवाल का अगला हिस्सा है, तो अब हमने नर्वस मेंबर की से बताना है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ चीता रिलेटिव टू द ग्राउंड, क्योंकि वो बंदा ग्राउंड पे था, जो नर्वस क्राउड मेंबर था वो अलोंग साइड था, उसी जगह पे था चीता के रास्ते पे, तो ग्राउंड के लिहाज से अब हमने ये डिस्कशन करनी है। पहले हम किसके लिहाज से कर रहे थे, ट्रक के लिहाज से कर रहे थे, तो अब हम किसके लिहाज से करेंगे, ग्राउंड के लिहाज से। तो स्टार्ट ऑफ द 2 सेकंड, जब उसने ब्रेक लगानी शुरू की, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ चीता ग्राउंड के लिहाज से, वेलोसिटी ऑफ चीता ट्रक, और प्लस आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस ग्राउंड, तो ये आप दोनों वैल्यूज पता है आपको, तो इसको लेंगे -13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसकी एवरेज उठाएंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी तो 12.5 है चीता की, जब वो मुड़ चुका था स्टार्टअप में इतनी थी, -13.9, इसकी भी एवरेज उठाएंगे, एक्सेलरेशन लेंगे 13 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही आ जाएगा जितना पहले था, और ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई में आ रहा है। तो दोनों सूरतों में अगर हम क्रू मेंबर के लिहाज से देखें जो ग्राउंड पे है उतना ही एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर हम ट्रक वाले कैमरामैन के लिहाज से देखें तब भी उतना ही एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये हमारे पास सलूशन था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।